आगे बढ़ते हैं। क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स अध्याय नंबर 1 और प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है सुनिएगा। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ये जो सभी संख्याएं हमें दी गई है इनमें हमें यह बताना है कि कौन सी संख्या इसमें से परिमेय है और कौन सी संख्याएँ इसमें अपरिमेय संख्याएँ। ठीक है, तो अब मैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों की पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि परिमेय संख्याएं क्या होती है और फिर अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। अब हम बात करें अगर परिमेय संख्याओं की, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो ऐसी संख्याएं क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐसी संख्याएँ जिन्हें पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं, ऐसी संख्याएँ जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तथा जहाँ बटे वाला जो क्यू है बराबर नहीं होता है किसके, ज़ीरो के। ठीक है गाइस, क्या बताना है, परिमेय संख्या है तो ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहाँ क्यू बराबर नहीं होता है ज़ीरो के, और अपरिमेय संख्या इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। फिलहाल अगर हम इसकी बात करें जैसे कौन सी संख्याएँ हो सकती है, कोई सी भी संख्या जिसे हम बटे में लिख सकते हैं, बस इतना सा आप याद रखिए। जैसे 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है, बटे में 0 नहीं आना चाहिए, बाकी अंश में तो आ सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। माइनस वाली संख्या भी परिमेय संख्याएं हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है जो पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है जिन्हें पी बटे क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें पहली संख्या में दी है क्या ये परिमेय संख्या है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको पहले। तो ये पहली संख्या जो हमें दी है 2√5, ठीक है, पहला जो है क्या ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो वैसे भी रूट लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और रूट वाली कोई सी भी संख्या जो होती है ना जो रूट से बाहर नहीं आ सकती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। सीधा सीधा आपको लिख देना है कि अपरिमेय संख्या है, क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या है। स्टेप से पहला हो गया। अब हम दूसरी संख्या की बात कर लेते हैं, दूसरी संख्या हमें क्या दी हुई है यहाँ पे, दूसरी हमें दी हुई है 3+√23 - √23। तो हम पहले तो इसको नोट कर लेते हैं, 3+√23 कोष्टक बंद, फिर माइनस में √23, ठीक है। इस टाइप से हमें ये सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, कोष्टक से बाहर निकाल के फिर देखते हैं। तो ये और इसके बट इसको बाहर निकालेंगे तो ये बस ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो हो गया ख़त्म, यहाँ पे कट गया है ना, तो क्या बचा आपके 3, कितना बचा है 3। अब एक बात आप ध्यान रखिए, गणित में क्या है कि हम किसी भी संख्या के बटे में एक मान सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर हम क्या करते हैं कि इस 3 के बटे में एक लगा देते हैं तो अब ये पी बटे क्यू के रूप में बन चुकी है, और अगर पी बटे क्यू के रूप में है तो हम इसे लिख सकते हैं ये परिमेय है। तो क्या लिखेंगे, ये परिमेय संख्या है, क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तीसरा इसी का क्वेश्चन हमें दिया है 2√7/√7। तो पहले हम नोट कर लेते हैं 2√7/√7, इसे भी हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमें दिया है 2√7/√7, है ना, ये 7 है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ऊपर √7 है और नीचे √7 है, तो √7 से √7 क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल। तो क्या बचेगा, 2/7, कितना बच जाएगा आपके, 2/7। अब ये पी बटे क्यू के रूप में है तो हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या है। ठीक है गाइस, इस टाइप से आपको समझा के बताना है, ये परिमेय संख्या है। अगर सवाल के रूप में पूछते हैं दो नंबर में भी तो आपको समझाना है, अदरवाइज अगर आपसे एक नंबर के कथन में पूछते हैं तो फिर आपको डायरेक्ट बता देना है परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरे के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे चौथा, 1/√2, क्या दिया हुआ है, 1/√2। तो यहाँ पे देखो आपको सीधा सीधा बता देना है, क्योंकि यहाँ पे जो है बटे में भी आ रही है संख्या, प्लस इसमें क्या हो रहा है, रूट आ रहा है, क्या आ रहा है, बटे में भी आ रही है और साथ में इसमें रूट आ रहा है। अब अगर रूट आ रहा है तो ये डायरेक्ट हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे कि ये अपरिमेय संख्या है, क्या लिखेंगे, ये अपरिमेय संख्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम इसका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, 2π, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पाई जो है वो ऑलरेडी एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि जो पाई है उसका मान तो 22/7 होता है, और ये तो पी बटे क्यू के रूप में हम लिख पा रहे हैं, फिर इसे हम अपरिमेय में क्यों ले रहे हैं, है ना, वही दिमाग में आएगा क्वेश्चन।
क्योंकि पाई के मान हम कक्षा 7 से रखते आ रहे होते हैं, तो हमको पता होता है कि पाई का मान 22/7 होता है। एक मान और होता है 3.14, ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों ही मान पाई के मान होते हैं। तो फिर इसे परिमेय में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये तो भी पी बटे क्यू के रूप में हम लिख पा रहे हैं, तो फिर इसे परिमेय में क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाई के मान का आविष्कार जब किया गया था, क्या हुआ था, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पाई के मान का आविष्कार किया गया था तो ये जो मान निकल के आया था ये सटीक मान नहीं था इसका। क्या नहीं था, ये इसका एग्जैक्ट सटीक मान नहीं था, बल्कि पाई का मान इसके आसपास आना था इसलिए। और पाई के मान का जो है कम्प्लीटली मान अभी तक भी कोई नहीं निकाल पाया है, इसके ऊपर रिसर्च लगभग चल ही रही है अभी तक। तो पाई का जो मान है ये एग्जैक्ट मान नहीं है, और अगर ये एग्जैक्ट मान नहीं है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में या परिमेय संख्या इसे मान नहीं सकते हैं। यही कारण है कि पी बटे क्यू का सॉरी जो 22/7 है, जो पाई का मान है, उसे अपरिमेय के समूह में रखा गया है। ठीक है, पाई को कहाँ रखा गया है, अपरिमेय रखा गया है। परिमेय में क्यों नहीं रखा गया है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब भी पाई का आविष्कार हुआ था, पाई के मान का आविष्कार हुआ था या इसकी जो खोज की गई थी, तो ये एग्जैक्ट मान जो है पता नहीं लगा पाए थे। कहने का मतलब इसमें भाग जो है लगता ही जा रहा था। आप चाहें तो लगा के देख सकते हैं, क्योंकि इसका भाग कभी ख़त्म हुआ नहीं था, इस वजह से इसको जो है यहाँ पर स्टॉप कर दिया था और ये पाई का मान बता दिया गया था। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होने के कारण इसे परिमेय संख्या नहीं किया गया है, जबकि इसे क्या बोला गया है, तो अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्या नहीं करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपरिमेय संख्या है। किसकी वजह से, ये पाई की वजह से। पाई क्यों, तो पाई का जो मान है वो एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए इसे अपरिमेय के रूप में जो है लिखा जाता है, परिमेय इसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो ये था आपके 1.5 का पहला क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है गाइस, क्योंकि समझ के अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा। तो फिलहाल आप इसे नोट करिए, परिभाषा भी आप नोट कर लीजिए, ये आप आपके जो है इंट्रोडक्शन वाले जो कॉपी होगी उसमें लिख लीजिएगा, बाकी सॉल्यूशन आप आपकी सॉल्यूशन कॉपी में लिखिए। तो परिमेय संख्या एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसी संख्या है जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा जहाँ क्यू बराबर नहीं होता है 0, जैसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है बात अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा है, आप परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। और अगर अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण लिखने हैं तो √2, √3, पाई, ठीक है, इस टाइप से आप जो है उदाहरण करके बता सकते हैं। तो आप ये भी लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए, ये जो आपके सॉल्यूशन है सामने, ये, उसके बाद ये, और फिर ये उदाहरण। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।